हेलो फ्रेंड्स, आज आम देखा भाइगस किंकर सोशियो कल्चरल थ्योरी एवं लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ए दुईटी जाक थ्योरी आज आम कवर करनवा। भाइगस किंकर पूरा नाम कौन? ले सेमियोनोविक भाइगस की। 1896 मसीह से रूस बा सोवियत रूस रे जन्मग्रहण करते 1934 मृत्यु हो जाता। जेहेतु से रशिया रे जन्मग्रहण करते तांको रशियन साइकोलॉजिस्ट बोली कहा जाए। यही 1896 मसीह स्विट्जरलैंड रे आउ जने व्यक्तित्व जन्मग्रहण करते सीए होती जीन पियाजे। विषय आम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा। भाइगस की कौन पाई फेमस? सीए जो चिल्ड्रेन बा पिला मानंकर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उपरे जो काम करते भाइगस की फेमस। भाइगस की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कहा जाए। भाइगस किंग को मत अनुसार गोटे पिलार डेवलपमेंट पाई सोसाइटी बहु मात्रा रे दायी, तेणु तांको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कुआ गला। जेतेबेळे आमे पियाजे को कथा पढ़िबा देखिबा जे तांको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कुआ जाए। तो एई जो भाइगस की किंबा पियाजे एई मानको सब थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म अंडर रे आसे। पूर्वरु आमे जो पेवलोव, थोंडाइक, स्किनर एई मानको सब जो थ्योरी पढ़थिले एई मानको थ्योरी सब बिहेवियरिज्म अंडर रे आसुतिला। वर्तमान देखिबा ए सोशियो कल्चरल थ्योरी अनुसार भाइगस की कोन कहिले। भाइगस की कहिले गोटिए पिलार डेवलपमेंट पई तार कल्चर, तार सोसाइटी आउ तार लैंग्वेज ए तीनोटी परस्पर दायी, अर्थात ए तीनोटी परस्पर सहित इंटरलिंक्ड। कल्चर बा ट्रेडिशन कोन देखिबा, बा कल्चर और ट्रेडिशन किभली पिलार डेवलपमेंट रे दायी होची सेटा प्रथमे देखिबा। अच्छा, धरा जाऊ गोटिए पिला ओडिया कल्चर रे ओडिसा रे जन्मग्रहण कला एवं आउ गोटे पिला पंजाबी कल्चर रे पंजाब रे जन्मग्रहण कला। जिए पिलाटी ओडिसा रे जन्मग्रहण करथिबो से ओडिया रे ओडिसा रे पर्वपर्वाणी, ओडिसा रे कल्चर ट्रेडिशन सेई गुडा देखि बड होइथिबो, तेणु सिए सेई सब जिनस सिकिथिबो। किंतु जो पिलाटी पंजाब रे जन्मग्रहण करथिला सिए ओडिसा रे कल्चर सिकि नथिबो, सीए से पंजाब रो जो कल्चर थिवो सीए ता फैमिली रो जो कल्चर देखि थिवो सेई कल्चर ट्रेडिशन अनुसार सीए डेवलप हेथिवो। सेई बोली तापर आइला सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन अर्थात कोन? आमे जहा जहा सहित मिसु, प्रथमे आमे का सहित मिसु आम परिवार सहित। तो परिवार रे आमे आम पेरेंट्स को सहित मिसिलु, तापर आमे आम सिब्लिंग्स को सहित मिसिलु, सिब्लिंग्स अर्थात आमर भाई भौणी। तापर आम जो बाहर को गलु स्कूल को गलु सेठी आम पियर्स आम सांग मानक सहित मिसिलु। पियर्स रे एक्चुअली अर्थ कौन? सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप रो पिला को आम पियर्स बोली कही था। नेक्स्ट टीचर सहित आम मिसिलु, आम नाइबर आम पड़ोसी मान सहित मिसिलु, तांक सहित जो इंटराक्शन हला तांक पाखरु आम जहाँ सब शिखिलु से सब हूँ सोशल इंटराक्शन। ता द्वारा जो पिलार डेवलपमेंट हला से डेवलपमेंटा सोशल इंटराक्शन द्वारा डेवलपमेंट है जी बोली हमें कहिबा। नेक्स्ट देखिबा लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज टी सोसाइटी एवं कल्चर सहित किभली इंटरलिंक सेटा को देखिबा। मु जो उदाहरण देली ओडिसा रो पिलाटा आ पंजाब रो पिलाटा, जे पिलाटा ओडिसा रे जन्म ग्रहण करथिबो से पंजाबी भाषा सिखि नथिबो, सेई भली जो पिलाटा पंजाब रे जन्म ग्रहण करथिबो से ओडिया भाषा सिखि नथिबो। तो सोसाइटी एवं कल्चर उपरे लैंग्वेज टा निर्भर करे, जे जो सोसाइटी जो कल्चर उपरे बढ़ी चलला सी से ही भाषा सीखी चलला। अच्छा, से भाइगस किंग कर सोशियो कल्चरल थ्योरी रे सी किछि इंपोर्टेंट टर्म देखाई से थ्योरी टाकु वर्णना करिसेंति। प्रथम से कहले जेड ए डी बा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तापर से कहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेड पी डी। ए जेड ए डी जेड पी डी एगुडी को कोन एगुड़ी को आमे एडी देखिबा। ए फिगर माध्यम रे आमे भाइगस किंग कर जो सोशियो कल्चरल थ्योरी अछि ताकु पूरा इजीली आमे बुझि जिबा। सीए कोन करले पिलार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा तार माइंड जो डेवलप होछि ताकु से तीनोटी जोन बा तीनोटी एरिया रे भाग कर देले। प्रथम एरिया रे से कोन रखिले पिला जोटा जानिछि, अर्थात वर्तमान पिला जो स्टेज रे अछि तार निजरो जो कैपेबिलिटी अछि से जहा सब सीखि पारिबो सेटा से फास्ट जोन रे रखिले। ए फास्ट जोन रो नाम दिया हला कोन? जेड ए डी,
बा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बा जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। तापर देखिवा ए सेकंड जोन बा सेकंड एरिया एटार ना दिहला जेड पी डी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे कोन हो पिला जोंटा सिखी नाही अन्यर साहाज्य रे से जोंटा सिकुची सेई जो प्रोसेसटा जो एरिया रे हला सेटा को हमें जेड पी डी बोली कहले। तीन नंबर जो अच्छे से आउट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात पिला निजे तो सीखी ना अन्य क्या सहजरे मध्य जोटा सीखी पार ना सेटा हूँ पूरा लास्ट स्टेज बा तीन नंबर स्टेज तार सेमती कौन सी ना दिया ना। अच्छा से जो आम जेड पी डी देखिले अर्थात सेकेंड स्टेजटा से आउ दुईटी इम्पोर्टाट कथा अच्छी से इम्पोर्टाट कथा हूँ स्काफोल्डिंग एवं एमकेओ। प्रथम आम एग्जाम्पल दे बुझा ये स्काफोल्डिंग आउ एमकेओ कौन तापर मु विषय तुमको डिटेल्स कहबी। अच्छा धरा जाऊ जड़े माँ छुआ को रांधिवा सिखाऊ तो से छुआटार रांधिवार नलेज ना तेणु से जो रांधिवार नलेज ना मैंने से जेड ए डी अंडर में जीवन ता माँ ताको सिखेबे से जेड पी डी अंडर में जीव। अच्छा जदि आम देखा ता मार नॉलेज निहाती माने से रांधिवा क्षेत्र रे ता मार नॉलेज निहाती से छुआडर अधिका थिबो सेई पई ता माता को सिखै पारु जोंती जेमिति तुम टीचर रो नॉलेज निहाती तुम पाखरु अधिका आछि सेई पई तुम टीचर तुमको सिखै पारु जोंती। एठी सेई भलिया जिए लोकटी रो नॉलेज अधिक जिए जहाँ को सिखौथिबे एठी जेमिति मा तांको छुआ को सिखौ जोंती तो से जो अधिक नॉलेज वाला लोक को आम कहले एम के ओ बा मोर नॉलेजेबल अदर। से जो प्रोसेसटा एटी जो रांधिवाटा सिखाऊ से जो प्रोसेसटा जो प्रोसेस रे पिलाटी अधिका जानिथिबा लोक पाखरु सिखुची से प्रोसेसटा को आम कहले स्काफोल्डिंग। तो ये तीनोटी इम्पोर्टेंट कथा जोटा एग्जाम रिलेटेड जदि आमको एरिया बा जोन पचारे आम लिखा जेड पी डी जदि आमको से प्रोसेसटा पचारे ताहले आम लिखा स्काफोल्डिंग आउ जदि पचारे जो पर्सन पाखु से सीखुची ताकु आम कह एम के ओ बा मोर नॉलेजेबल अदर्स। भावुची तुम्हें यहाँ कनसेप्ट पूरा क्लीयर हो जाइए जदि तथापि डाउट थी तुम्हें आउ थे रिवाइंड कर भिडटी को देख इजिली तुम्हें क्लीयर हो। अच्छा भाइगोस के आउ गोटे टर्म देले कौन साइकोलॉजिकल टूल्स पिलाटी जो सोशल इंटरेक्शन द्वारा अर्थात सोसाइटी रे मिसिबा द्वारा जो सब डेवलपमेंट तार होइथाय से जो सब जिनस सिखिथाय बा से जो मास्टरी ग्रहण करिथाय से मास्टरी पई तार साइकोलॉजिकल टूल्स नियाती दरकार आमे भाबी नबा जे एटा गोटे प्रकार अस्त्र एई अस्त्र द्वारा ही से सब किछि जय करि परिबो सोसाइटी रु तार डेवलपमेंटटा हेइ परिबो। अच्छा ए टूल भितर कौन कौन जीव तार लांगुएज सी जो लांगुएज सीखी थी से जो लांगुएज स्ट्रंग थी से लांगुएज टी तापर तार राइटिंग स्टाइल काउंटिंग सिस्टम कन्वेंशनल साइंस ए सब साइकोलॉजिकल टूल मध्य जीव। नेक्स्ट आम देखा वाइगोस्की लांगुएज डेवलपमेंट थ्योरी ए लैंग्वेज डेवलपमेंट क्षेत्र में पियाजे और भाइगोस्की मध्य मान दुईज मत भिन्न भिन्न पियाजे कहले प्रथम पिलार थॉट डेवलप करे बा चिंता आसे तापर पिलार लैंग्वेज डेवलप करे तापर पिलाटी कहवा सीखे किंतु भाइगोस्की कौन कहले पिलाटा प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट करे तापर तार थॉट आसे। भाइगोस्किंग अनुसार ए थॉट आउ लैंग्वेज एगुड़िक फास्ट रू माने पिला जत जन्म होता है सेत बेले दुईटा एक मिसिक आसी न थांति जत बेले 3 वर्ष बयस पहुंची जाए पिलाटा सेत बेले लैंग्वेज आउ थॉट मिसी जांति अर्थात भाइगोस्की कोन कहले प्रथमे पिलाटीर लैंग्वेज डेवलपमेंट कला नेक्स्ट पिलाटीर थॉट डेवलपमेंट कला जत बेले एई जगारे जेउटी तार मिसी गला 3 वर्ष बयस तार से तार लांगुएज आर थट दुईटी जाक मिसीगला। अच्छा भाइगोस्की तीन प्रकार स्पीच विषय वर्णना करथमटी हूँ सोशियाल स्पीच
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ସହିତ ହଉ, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍। ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ଏରାଉଣ୍ଡରେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ସେଇଟାକୁ ଭାଇଗସ୍କି ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟି 3 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେଉଥାଉ, ଏକଲା ଏକଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେଉଥାଉ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ତୁମମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବ, ଦେଖିବ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ହେ ସଟ୍ଟା ଏଭଳିଆ ମାରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସଟ୍ଟାକୁ ଏଇପଟେ ମାରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ତାପରେ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇଟା 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଯିବା ଯେ ଏଠି କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉନାହିଁ ବା କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଏଠୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି 2 ଇୟର୍ସ, 3 ଇୟର୍ସ, 7 ଇୟର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଭାବିବନି ଯେ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା, 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଅମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। 2 ବର୍ଷରୁ ତାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ତାର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାଲେ। ସେଭଳି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ 3 ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବା ଜୀବନସାରା ଚାଲେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ ସେଭଳିଆ 7 ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଜୀବନସାରା ଚାଲିଲା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ସେ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ଟି କେହି ବି ହେଇପାରେ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଲା, ଯିଏ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛି, ସିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ସିଏ ତୁମ ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି, ତୁମ ଟିଚର୍ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କେହି ବି ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଲେ, ଯିଏ ତୁମଠୁ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭାବୁଛି ତୁମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଇଜିଲି ବୁଝିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିଥିବ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଆଜେଙ୍କ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ କରିପାରିବା ଯେ ପିଆଜେ ଆଉ ଭାଇଗସ୍କିଙ୍କ ଥିଓରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।